किसी राज्य की राजनीति को साधने के लिए और उस राज्य में युग परिवर्तन करने के लिए, राजनीतिक रूप से विकास में परिवर्तन करने के लिए 20 साल का राजनीतिक कार्यकाल छोटा नहीं होता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उन राजनेताओं की जिनको लंबे समय से सबसे बड़ी कुर्सी पर बैठे रहने का अनुभव तो है, लेकिन उनके कार्यकाल पर लगातार सवाल खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं। बात बिहार की करेंगे, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की करेंगे, नीतीश कुमार के साथ सहयोगी दल भारतीय जनता पार्टी की करेंगे कि आखिरकार पिछले 20 सालों में क्या नीतीश कुमार सिर्फ सरकार बनाने और सरकार को गिराने की प्रक्रिया में ही व्यस्त रहे। दर्शकों, पिछले एक हफ्ते में बिहार में 4 पुल धराशायी हो चुके हैं। आखिरकार किस तरीके से बिहार सरकार इन पुलों के निर्माण को लेकर के टेंडर जारी करती है, इस पर भी बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया है। विपक्ष लगातार सवाल पूछता रहा है और यहाँ पर आरोप ये लगाए जाते रहे हैं कि सिर्फ बजट को यहाँ पर भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ाने के लिए ये टेंडर आवंटित किए जाते हैं। विशेष तौर पर नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी पर तेजस्वी यादव हावी होते नजर आ रही है। उनका साफ तौर पर कहना है कि नीतीश कुमार के राज में पिछले 20 सालों में बिहार बदहाली की तरफ गुजर गया है। बिहार लगातार प्लाइन फैक्ट्री बनता हुआ नजर आ रहा है। नीतीश कुमार ने जो सरकार बनाने का फैसला किया था, उस वक्त भारतीय जनता पार्टी उनका सहयोगी दल था। तेजस्वी यादव ने इतना भी कह दिया कि हमारे साथ तो सिर्फ 1.5 साल के 2 कार्यकाल यहाँ पर नीतीश कुमार ने पूरे किए हैं, लेकिन उसके अलावा यदि बात करें तो करीब 17.5 साल तक नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार चलाते रहे। ऐसे में नीतीश कुमार को लेकर के ये सरगर्मियां लगातार तेज हैं कि आखिरकार बिहार की राजनीति में कद्दावर नेता होने के बाद भी नीतीश कुमार पर सवाल क्यों खड़े हो रहे हैं, क्यों नीतीश कुमार संशय के दायरे में आ रहे हैं, क्यों नीतीश कुमार की कार्यशैली को लेकर बार बार उन्हें अंग चिन्हित किया जा रहा है और क्यों नीतीश कुमार इन तमाम गतिविधियों में घिरते हुए नजर आ रहे हैं। आखिरकार बिहार किस राजनीतिक हाशिए पर जाता नजर आ रहा है, बड़ा सवाल ये खड़ा हो जाता है दर्शकों, क्योंकि यहाँ नीतीश कुमार की कार्यशैली जो पिछले काफी लंबे समय से रही है वो कोई यहाँ पर सुखद राजनीति के संकेत नहीं देती है। तेजस्वी यादव जिस तरीके से यहाँ पर लगातार आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं कि बिहार में नीतीश कुमार ने सिर्फ सत्ता बनाने और सत्ता को बिगाड़ने का खेल खेलने का काम किया है, आखिरकार 2025 के विधानसभा चुनाव के वक्त पर क्या नीतीश कुमार यहां फिर से आरजेडी के साथ जाने वाले हैं? क्योंकि यहां घेरते हुए तेजस्वी यादव नजर आ रहे हैं, लगातार भ्रष्टाचार के आरोप लगाए जा रहे हैं, सरकारी स्कूलों की व्यवस्था की बदहाली को यहां पर कहीं ना कहीं टारगेट करते हुए नीतीश कुमार पर निशाना साधा जा रहा है। चाहे शिक्षा व्यवस्था हो या स्वास्थ्य सुविधाएं हो, रोजगार देने की बात हो या फिर बिहार से पलायन को रोकने की बात हो, ये तमाम मुद्दे तो तेजस्वी यादव की तरफ से जमीनी आधार पर उठाए जा रहे हैं। बीजेपी को निशाना बनाते हुए तेजस्वी यादव ये कहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिर्फ चुनाव के वक्त पर बिहार को याद करते हैं। 1 लाख करोड़, 1.5 लाख करोड़, 2 लाख करोड़ तक के विशेष आर्थिक पैकेज की बात की जाती है, लेकिन आखिरकार नीतीश कुमार और बीजेपी क्या सिर्फ बिहार की जनता को बेवकूफ बनाने का काम कर रहे हैं? आखिरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या लगातार झूठे वायदे कर रहे हैं? क्योंकि पिछले वक्त में देखें और इस वक्त में देखें तो इस दौर में परिवर्तन आ चुका है। इस 2024 के लोकसभा चुनाव में जेडीयू एक महत्वपूर्ण कड़ी इस सरकार की बनकर के सामने उभर करके आई है। जेडीयू लगातार इन कोशिशों में जुटी हुई है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाया जाए। एक बार विशेष राज्य के दर्जे में आखिरकार क्यों इतनी बड़ी मांग की जा रही है और इस विशेष राज्य के दर्जे में आखिरकार मिलता क्या है, इस पर भी प्रकाश डालने की आवश्यकता है। तो दर्शकों, केंद्रीय बजट का 30% हिस्सा विशेष राज्य के विकास के लिए केंद्र सरकार आवंटित करती है, जिसमें विशेष तौर पर उस राज्य की बेरोजगारी, भूखमरी, पलायन और जमीनी मुद्दे जो हैं, जो मूलभूत सुविधाएं जो हैं उनको यहाँ पर मुहैया करवाने के लिए खर्च किया जाता है। और ऐसे में ये बजट का जो विशेष हिस्सा होता है यह उन विशेष दर्जा प्राप्त राज्यों को जाता है।
इसके साथ साथ आपको बता दें कि वर्ष 1969 में भारतीय संविधान में भारतीय कानून में एक संशोधन किया गया और जिसमें विशेष राज्य का दर्जा देने के लिए राज्यों का प्रावधान किया गया, जिसमें जम्मू कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश, आसाम और पूर्वोत्तर के कई राज्य शामिल रहे। लेकिन इस बीच बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने का मुद्दा क्या नीतीश कुमार एक चुनावी मुद्दा बनाते हुए नजर आ रहे हैं, और क्या इसी मुद्दे के इर्द गिर्द 2025 के विधानसभा चुनाव का ताना बाना बुना जाएगा, यह बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। क्योंकि नीतीश कुमार की पार्टी जिस वक्त इंडिया अलायंस में शामिल थी, उस वक्त तो नीतीश कुमार तमाम उन मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी से नाखुश नजर आ रहे थे, नाराज नजर आ रहे थे जिन मुद्दों को लेकर वो राजनीति करते रहे हैं। लेकिन इस चुनाव में भी जिस तरीके से सीट शेयरिंग के फॉर्मूले को लेकर दोनों के बीच आपस में सहमति बनी, बीजेपी और जेडीयू ने 17-16 के अनुपात में यहाँ सीटें शेयर करके चुनाव लड़ने का फैसला किया, ये वाकई बड़े संकेत देता है कि आखिरकार जब जेडीयू और बीजेपी बराबर सीटें जीत करके आई है तो फिर आखिरकार क्या विधानसभा चुनाव में भी इसी बिना पर चुनाव लड़ा जाएगा। सम्राट चौधरी भारतीय जनता पार्टी के बिहार प्रदेश संगठन इकाई के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार हमारे सहयोगी हैं, सरकार चला रहे हैं, केंद्र में भी उनका सहयोग है, राज्य सरकार में भी उनका सहयोग है, लेकिन 2025 के विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद बिहार में मुख्यमंत्री यहां पर बीजेपी का बनेगा। केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे भी यही कहते हुए नजर आते हैं, हालांकि पूर्व केंद्रीय मंत्री बन चुके हैं वो, क्योंकि लोकसभा चुनाव के वक्त पर उनका टिकट काट दिया गया था। उनका भी यही साफ तौर पर कहना है कि यहाँ पर बिहार को चाहे विशेष राज्य का दर्जा देने की बात हो, चाहे बिहार में नए विकास के नए आयाम लिखने की बात हो, ये तमाम हम मांग भारतीय जनता पार्टी हाईकमान से कर रहे हैं, केंद्र सरकार से कर रहे हैं, और केंद्र में मोदी की बीजेपी की सरकार है, एनडीए समर्थित इस सरकार में भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ा राजनीतिक दल है। ऐसे में यदि नीतीश कुमार या बीजेपी एक साथ सरकार चलाते हैं बिहार में और चुनाव लड़ते हैं तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ही एनडीए को लीड करती हुई नजर आएगी। आखिरकार क्या सीएम की कुर्सी को लेकर अब जंग छिड़ने वाली है? पिछले दिनों एक खबर यह भी सामने आई थी कि अपने राजनीतिक उत्तराधिकारी की तलाश में नीतीश कुमार बेटे निशांत को भी चुनावी समीकरणों में यहाँ पर कहीं ना कहीं सेट करना चाहते हैं और राजनीतिक रसूख को साधने के लिए निशांत कुमार की ताजपोशी भी कर सकते हैं। लेकिन बड़ा सवाल आखिरकार ये भी खड़ा हो जाता है कि क्या तेजस्वी यादव अब बिहार में उस परिस्थिति में आ चुके हैं, क्या उस पोजीशन में इस वक्त आ चुके हैं जहां से वो विधानसभा को फतेह करने का यहां पर काम आसानी से कर लेंगे? क्योंकि एक तरफ यहां पर जेडीयू के कई विधायकों की नाराजगी सामने आ रही है और तेजस्वी यादव की तरफ से ये कहा जा रहा है कि हमारे संपर्क में तमाम जेडीयू के विधायक हैं, और इसके साथ साथ दूसरी तरफ नीतीश कुमार का ये कह देना कि बिहार में चीफ मिनिस्टर जेडीयू का ही बनेगा। इन बयानबाजियों के चलते तो राजनीतिक दलों की यहाँ पर तोड़फोड़ होती हुई नजर आ सकती है, गठबंधन में दरारें नजर आ सकती है। लेकिन क्या सिर्फ राजनीति को साधने के लिए और क्या सियासत में एक राज्य का सबसे बड़ा पद पाने के लिए ही ये राजनीतिक लड़ाई लड़ी जा रही है? क्योंकि नीतीश कुमार के कार्यकाल के दौरान देखा जाए तो उनके खिलाफ जबरदस्त एंटी इनकम्बेंसी दिखाई देती है। जिस वक्त उन्होंने 28 जनवरी 2024 को यह फैसला किया था कि वह अब आरजेडी के साथ नहीं बल्कि बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाएंगे, उसके बाद से उन पर कड़े तंज कसे जा रहे हैं। आखिरकार क्या नीतीश कुमार अब एक पुराने जमाने के राजनेता बन जाएंगे? तेजस्वी यादव की तरफ से लाखों रोजगार देने के जो वायदे किए जा रहे हैं, क्या वे मुद्दे, क्या वो वायदे बिहार में जमीनी वायदे बनकर उभर कर सामने आएंगे, और उन वादों के आधार पर किस तरीके से राजनीति तय की जाएगी, ये बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। क्योंकि यहाँ पर विपक्ष की राजनीति को साधने का प्रयास तो पुरजोर कांग्रेस पार्टी और इसके साथ साथ उनके सहयोगी दलों जिसमें वाम दल शामिल हैं और इसके साथ साथ आरजेडी सबसे बड़ा राजनीतिक दल शामिल है, वो करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन ये नीतीश कुमार जो बिहार की राजनीति में किंग मेकर से किंग बनते हुए नजर आते हैं, बड़ा फैसला लेंगे, कोई बड़ा सियासी समीकरण तैयार करते हुए नजर आएंगे? क्योंकि पिछले दिनों उन्होंने कहा था कि राजनीति में कोई परमानेंट दुश्मन नहीं है, परिस्थितियां निर्धारित करती हैं कि इंसान को, किसी राजनेता को किस तरीके से उन चुनावी समीकरणों में अपने आप को सही रास्ते पर ले जाना है। आखिरकार क्या नीतीश कुमार चिर परिचित अंदाज में
जिस तरीके से सत्ता का तख्ता पलट करते हुए नजर आते हैं, क्या उसी राजनीतिक आधार को पकड़ करके मजबूत करके यहाँ पर राजनीतिक गतिविधियां तय करेंगे, राजनीतिक समीकरण बनाते हुए नजर आएंगे, या फिर इस बार इंडिया अलायंस जो कि लोकसभा चुनाव में मजबूत दिखाई दिया है और बिहार में 10 लोकसभा की सीटें जीतकर ये संकेत देने का प्रयास किया है कि आगामी वक्त में इंडिया अलायंस मजबूत पार्टी के रूप में, मजबूत गठबंधन के रूप में उभर करके आएगा, क्या उनके सपने साकार हो पाएंगे और क्या बिहार में सत्ता का परिवर्तन यहाँ से होता हुआ नजर आएगा। इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए SPN9 न्यूज़।